हेलो एवरीवन, ये कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेज का फिफ्थ पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज हम लोग फीवर को रिड्यूस करने में करते हैं, या फिर कोई पेन हो जो कि माइल्ड या मॉडरेट हो तो उसको रिलीफ देने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं, या फिर दांतों में दर्द हो उस केस में, या फिर कॉमन कोल्ड हो या फिर हेडेक हो तो उस केस में हम एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। जो सेकंड मेडिसिन है वो है साइक्लोबेंजाप्राइन। साइक्लोबेंजाप्राइन का यूज हम लोग करते हैं मसल्स में अगर कोई पेन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में हम साइक्लोबेंजाप्राइन का यूज करते हैं। जो थर्ड नंबर ड्रग है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसका उपयोग हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, मतलब अगर पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में हम हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का उपयोग करते हैं। जो फोर्थ नंबर ड्रग है वो है ग्लिपिजिड। ग्लिपिजिड का हम लोग उपयोग करते हैं मेनली डायबिटीज़ मिलेटस टाइप 2, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम ग्लिपिजिड मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जो फिफ्थ नंबर ड्रग है वो है पैरासीटामोल, जिसको कि हम लोग पेन में देते हैं या फिर कोई मोच आ गई हो और उसके वजह से दर्द हो रहा हो तो फिर उसमें भी हम पैरासीटामोल लेते हैं, या फिर अगर किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर अगर हाई हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब फीवर के केस में हम पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। पैरासीटामोल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप चाहें तो उसको भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारे डिटेल्स आपको इस मेडिसिन के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिक्स्थ नंबर ड्रग है वो है डुलोजेटाइन। डुलोजेटाइन का हम लोग एडल्ट में डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम डुलोजेटाइन का उपयोग करते हैं, या फिर नर्व डैमेज के केस में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं, या फिर फाइब्रोमेगालिया हो जाए तो उस केस में भी हम ड्यूलोजेटाइन देते हैं पेशेंट को। सेवन्थ नंबर ड्रग है वो है मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट का हम लोग उपयोग करते हैं अटेंशन डिफिक्ट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, जिसको कि हम ADHD भी बोलते हैं, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। जो एट नंबर ड्रग है वो है रेनाटिडीन। रेनाटिडीन का हम लोग उपयोग करते हैं इनडाइजेशन के केस में, या फिर हर्ट बर्न के केस में, या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो तो उसके केस में, या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज हो, जिसको कि हम GORD भी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम रेनाटिडीन मेडिसिन का उपयोग करते हैं, या फिर स्टोमिक में अगर अल्सर हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम रेनाटिडीन मेडिसिन का यूज करते हैं। जो नाइन्थ नंबर ड्रग है वो है वेनलाफ्लैक्सिन। वेनलाफ्लैक्सिन का हम लोग उपयोग करते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने में, या फिर एंजाइटी को ट्रीट करने में, या फिर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो उस केस में हम वेनलाफ्लैक्सिन मेडिसिन का उपयोग करते हैं, या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया हो, जिसको कि हम सोशल फोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसके केस में हम वेनलाफ्लैक्सिन मेडिसिन का उपयोग करते हैं। टेंथ एंड लास्ट नंबर ड्रग ऑफ दिस सीरीज जोल्पिडेम। जोल्पिडेम का हम लोग उपयोग करते हैं इसोमेनिया को ट्रीट करने में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेज का टोटल 5 पार्ट अपलोड कर दिया अब तक, तो उसको आप चेकआउट जरूर करें सारे कॉमन मेडिसिन एंड उसके यूजेज के बारे में डिटेल से जानने के लिए। तो गुड बाय, टेक केयर।